ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ईसीडी नंबर 4011, क्लैरिफाइड ऑन 19 जून 2022। रात का क्लास चल रहा था, 3 मई 1966। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 3 मई 1966 वॉज बींग नरेटेड। दूसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ पेज टू। निराकार परमपिता परमात्मा जीवात्माएं जाकर उन पर लोटी चढ़ाती है। लिविंग बींग्स गो एंड ऑफर लोटी टू द इनकॉर्पोरियल सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। लोटी मीन्स अ स्मॉल पॉट फुल ऑफ मिल्क एंड वॉटर। तो जरूर वो परमपिता परमात्मा हो करके गए हैं, कुछ करके गए हैं। सो सर्टेनली दैट सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल हैज बीन हियर। ही हैज डन समथिंग बिफोर गोइंग। परंतु जानते नहीं है कि कुछ क्या करके गए हैं। बट दे डोंट नो वॉट ही हैज डन बिफोर गोइंग। इतने ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गए। दे हैव बिकम सो तमो प्रधान एंड अनराइटियस। भ्रष्टाचारी उनको नहीं कहा जाता, दोज वंस आरंट कॉल्ड अनराइटियस। भ्रष्टाचारी कहा जाता है उनको जिसका शरीर विष से पैदा होता है। Actually, those whose body is born through poison are called unrighteous. शिष्टाचारी वो जो योग बल से पैदा होते हैं। Those who are born through the power of yoga are righteous. उनको शिष्टाचारी कहा जाता है। They are called righteous. गवर्नमेंट ये अर्थ नहीं जानती है। The government doesn't know this meaning. सतयुग में भ्रष्टाचारी कोई होता नहीं। No one is unrighteous in the golden age. फिर कलयुग में शिष्टाचारी कोई होता नहीं। Then no one is righteous in the iron age. सतयुग में है ही निर्विकारी दुनिया। The golden age itself is the viceless world. कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक। It is called complete with all the virtues, complete with 16 celestial degrees, a completely non-violent world. अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अरे दैट वर्ल्ड इटसेल्फ इज कम्प्लीटली वाइसलेस। फिर विख की बात हो कैसे सकती है? देन हाउ कैन द क्वेश्चन ऑफ पॉइजन अराइज देयर। तब तो कहते हैं अमृत छोड़ विख काहे को खाए। इट इज देन दैट ही दैट इज द फादर सेज व्हाई डू यू लीव नेक्टर एंड ईट पॉइजन। ये बात बाप बैठ समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स दिस चिल्ड्रन बिकम प्योर। माँ में कम याद करो। एंड रिमेम्बर मी अलोन। वो बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। दैट फादर इज वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। कृष्ण को ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता है। कृष्ण कांट बी कॉल्ड द ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो तो रचना है। ही इज नो डाउट द क्रिएशन। तो बाप है रचयिता। सो द फादर इज द क्रिएटर। सर्वशक्तिवान सर्व पतितों को बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। द ऑलमाइटी फादर अलोन कम्स एंड प्यूरिफाइज ऑल द इम्प्योर वंस। बाप से ही सदगति मिलती है। दे रिसीव सदगति ओनली फ्रॉम द फादर। भारत में वो बाप थे। दैट फादर वॉज प्रेजेंट इन भारत। सतयुग में तो भारत ही होता है। देर इज ओनली भारत इन द गोल्डन एज। उनको ही सचखंड कहा जाता है। दैट अलोन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ट्रूथ। बाबा है ट्रूथ। बाबा इज ट्रू। तो वो ट्रूथ ही बताते हैं, सत्य ही बताते हैं। He speaks only the truth. रावण राज्य में तो है ही झूठ। There is just falsity in the kingdom of Ravan. तो झूठ ही बताते, बताते आए। So they just speak lies and they have been speaking lies. बाप आकर सत्य बात बताते। The father comes and tells us the true fact.
साधु संतादि जो भी श्री श्री 108 जगत गुरु अपन को कहलाते हैं, उन जैसे भ्रष्टाचारी कोई हो नहीं सकते। The sages, saints and so on, and all those who call themselves Sri Sri 108 Jagat Guru, no one can be unrighteous like them. परंतु किसको समझावे? But who should be explained to? पंचायती राज्य है। This is the पंचायती राज्य, that is, rule of 5 elected representatives. इन बातों को समझते ही नहीं है। They just don't understand these concepts. राजाओं में फिर भी अथॉरिटी रहती थी। The king still had authority. यहाँ एक को समझाओ तो दूसरा बिगड़ पड़े। Here, if you explain to one person, the second one will become angry. पंचायत है ना? There is panchayat, isn't there? वास्तव में पंचायती राज्य भी नहीं कहा जाता। Actually, it isn't called the panchayati राज्य either. Sovereignty वो है ही नहीं। There isn't sovereignty here at all. एक सिपाही भी आदमी की पाग उतार दे। Even a soldier removes the turban of a man. इसको अंधाधुंध सरकार कहा जाता है। This is called a blind government. सब अंधियारे में ठोकरें खाते रहे। Everyone keeps suffering blows in darkness. इनको कहा जाता है अंधों की दुनिया, अंधों का संप्रदाय। This is called the world of blinds, the community of blinds. वो हैं अंधों की औलाद अंधे। They are blinds, the children of the blind. और ये है सज्जे की औलाद सज्जे। And these ones are सज्जे, the children of the सज्जे, meaning the one with eyesight. बाबा ने समझाया है यादव कौरव पांडव क्या करते भे। बाबा हैज एक्सप्लेन्ड व्हाट द यादव्स द कौरव्स एंड द पांडव्स आर डूइंग। ये कब की बात है? व्हेन इज इट अबाउट? ये कोई को पता नहीं। नो वन नोज इट। कह देते कृष्ण द्वापर में आया गीता सुनाई। दे से Krishna came in the copper age and narrated the Gita. वास्तव में है संगम की बात। Actually, it is about the confluence age. कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम। It is about the confluence of the end of the Iron Age and the beginning of the Golden Age. जहाँ यूरोपवासी यादव भी हैं। Where the Yadavs, the residents of Europe, are also present. ये द्वापर के आदि में तो यूरोपवासी यादव थे ही नहीं। The Yadavs, residents of Europe, weren't present in the beginning of the Copper Age at all. वो तो आए ही बाद में हैं। They have certainly come later. जब नाम हो वृद्धि को तब बात है। It is applicable only when they become popular. पहले तो इन यादवों की राजाई होती नहीं। Initially, these Yadavs have no kingship. पहले तो बहुत थोड़े होते हैं। Initially, they are very few. तो बच्चों को पहले ये याद रखना है। So first, the children should remember this. कि निराकार शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। The incorporeal Shiv Baba teaches us. कृष्ण की तो बात हो न सके। It can't be about Krishna at all. उनकी तो सभी यादगार मंदिरों में कृष्ण बच्चा बैठा है। In all the यादगार temples, Krishna is sitting as a child. तो कृष्ण संगम पर फिर कहाँ से आ सकता है? Then how can Krishna come in the confluence age? कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते हैं। None of the sages and saints know this. साधुओं को निमित्त बनाया है कि भारत को शिष्टाचारी बनाए लिए। The sages have been made instruments to make Bharat righteous. ये उनको पता ही नहीं है कि ये तो और ही सबको भ्रष्टाचारी बनाने वाले। They just don't know that they make everyone all the more unrighteous. ये था गवर्नमेंट तथा समाज। As is the government, so is the society. सब अंधे की औलाद अंधे। All of them are blind, the children of the blind. बाप सज्जा बनाते हैं।
द फादर मेक्स यू द बंधित आई साइट. माया अंधा बनाती है. माया मेक्स यू ब्लाइंड. पहले तो ये बात याद करो. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन योर माइंड. ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करो. रिमेम्बर द फादर व्हाइल लिविंग इन द हाउस होल्ड. जिससे विकर्म विनाश हो. सो दैट योर रॉन्ग एक्शंस आर डिस्ट्रॉयड. तो तुम कर्म योगी हो. यू आर अ कर्म योगी. कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ. Have the connection of your intellect with me while performing actions through the karmendriya. बल कर्मेंद्रियां कर्म में लगी रहे तो सच्चे आशुक बनो मासुक के. It doesn't matter if the karmendriya are engaged in performing actions. So become a true lover of the beloved. घर बार कुछ भी छोड़ना नहीं. You don't have to leave the household, the family or anything. गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो. Stay pure like a lotus while living in the household. इस बात में ही विघ्न पड़ते. Obstacles arise only in this. तब पुकारती है हे बाबा रक्षा करो. Then they, that is mother's call, O Baba, save me. द्रौपदियां है ना. They are Draupadi, aren't they? उनके चीर उतारते हैं. They, that is men, disrobe them. पति तो होने के लिए. To make them impure. सतयुग में ऐसे चीर नहीं उतारते. No one disrobes anyone like this in the golden age. न वहाँ पुकार होती है द्रौपदियों की. There isn't a call of Draupadi's there either. जब पतित से पावन होने का समय आता है तब ही बाप आते. When the time to become pure from impure comes, it is then that the father comes. बांधेलियाँ ही बहुत पुकारती हैं. It is the mothers in bondage themselves who call the father a lord. बाबा हमको नंगन करती है अब हम क्या करें. बाबा they disrobe me, what should I do now? ये तो ड्रामा में नूद है. बाबा says this is certainly preordained in the drama. अत्याचार सहन करने पड़े. You will have to tolerate atrocities. मार खाते खाते शिव बाबा को पुकारती रहती. They keep calling Shiv Baba while suffering beatings. उसमें भी कल्याण. There is benefit in that too. बलिहारी है ऐसी मार की जो शिव बाबा को याद कराती. A great credit goes to such beatings which enables them to remember Shiv Baba. इनों के पाप का घड़ा जब भरता है तब विनाश भी शुरू होगा. When the pot of their sins is full, the destruction also starts. दिन प्रतिदिन अत्याचार बहुत होते जाते. Atrocities increase a lot day by day. पाप का घड़ा भरता है. The pot of their sins becomes full. ये खुश हैं. They, that is mothers, are happy. कल्प कल्प होता ही रहता है. This keeps happening every cycle. इनको भी दोष नहीं है. They can't be blamed either. पतित असुर लोग बहुत भ्रष्टाचारी होते. The impure demons are very unrighteous. लाचारी हालत में नगन होते हैं. कर ही क्या कर सकते. They become naked in a helpless condition. After all, what can they do? कंसी जरासिंधी शिशुपाल नाम रखे हुए काम के आधार पर. दे हैव बीन गिवन नेम लाइक कंसी जरासिंधी शिशुपाल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टास्क. ये है ही कंसपुरी की दुनिया. दिस इज नो डाउट द वर्ल्ड ऑफ कंसपुरी. कंस काम कटारी चलाते. कंस यूजेस द डैगर ऑफ लस्ट. पांच विकार ही आदि मध्यंत दुख देते हैं. It is these five vices that give sorrow in the beginning, middle and end. और दुख के भी दुख की भी stages होती है. And there are levels of sorrow as well. सतयुग में भी. Even in the golden age. बहुत त्रेता में दो कला कम होती है. At the most, two celestial degrees reduce in the silver age. सतयुग में भी उतरती कला. The celestial degrees reduce in the golden age as well.
परंतु फिर भी पूरा आधा सुख आधा दुख हो फिर तो फायदा ही क्या है। स्टिल इफ देयर इज हैप्पीनेस फॉर हाफ द टाइम एंड सोरो फॉर द अदर हाफ इक्वली व्हाट इज द बेनिफिट। तुमको तीन हिस्सा सुख रहता है। यू रिसीव हैप्पीनेस फॉर थ्री क्वार्टर्स ऑफ द साइकिल। फिर भक्ति जब तमो प्रधान होती है तो बाकी दुख शुरू होता है। देन सोरो स्टार्ट्स व्हेन भक्ति बिकम्स तमो प्रधान। तीन चार बच्चे इकट्ठे पैदा करते हैं कुतरियों मुआफिक। दे गिव बर्थ टू 3 to 4 चिल्ड्रन टुगेदर लाइक बिचेस। अब तुम डॉग से गॉड बन रहे हो। नाउ यू आर बिकमिंग गॉड फ्रॉम अ डॉग। वो नेचर क्योर की हॉस्पिटल होती है। दोज आर हॉस्पिटल्स फॉर नेचर क्योर। बाबा की हॉस्पिटल शिव बाबा की यूनिवर्सिटी। बाबाज हॉस्पिटल इज शिव बाबाज यूनिवर्सिटी। जिससे तुम पुरुषार्थ करके एवर हेल्दी बनते हो। वेयर यू मेक पुरुषार्थ एंड बिकम एवर हेल्दी। भारत ऐसा था 150 वर्ष आयु रहती थी। भारत वॉज सच दैट एवरीवन्स लाइफ स्पैन यूज्ड टू बी 150 इयर्स। वो पवित्र योगी थे। They were pure yogis. ये तो है पतित दुनिया। This is certainly the impure world. माया ने बिल्कुल ही बुद्धिहीन बना दिया। Maya has made everyone completely foolish. अब बाप दोबारा ever healthy, wealthy बनाते हैं। Now the father makes them ever healthy and ever wealthy again. बाकी तो सब कौड़ी मिसल बन जा रहे। All the rest will become like Kauri. किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए किन की ले गए चोटा किन की आग जलाए। किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए किन की ले गए चोटा किन की आग जलाए। That is, someone's wealth will remain buried under the land, someone's wealth will be seized by the king, someone's wealth will be stolen by thieves. And someone's wealth will be burned by fire. सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। The wealth of only those who spend it in the name of God will be fruitful. कहते हैं बाबा छोटा घर है। They say, Baba, we have a small house. एक ही कमरे में रहते हैं। We have just one room to stay. उसी में खाना आदि पकाते हैं। We prepare food etc. there itself. Baba कहते हर जाने। Baba says that doesn't matter. छोटे कमरे में ही तुम बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना दो। Make the biggest university hospital in that very small room. बोर्ड लिख दो भाई बहने आकर समझो एक सेकेंड में हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते। Write and put up a board. Brothers and sisters, come and understand how you can become healthy and wealthy in a second. हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे। All of us are the children of the Supreme Father, Supreme Soul. बाप समझाते हैं। The father explains. तुमको 5000 वर्ष पहले वर्षा दिया था। I gave you the inheritance 5000 years ago. फिर रावण ने आकर के नरक का वर्षा दिया। Then Ravan came and gave the inheritance of hell. अभी फिर बाप आया है वर्षा दे। Now the father has come to give the inheritance again. तो उसे छोटी झोपड़ी में भी मनुष्यों को बैठ समझाओ। So explain to people sitting even in that small hut. बाप कहते हैं मुझे याद करो वर्षे को याद करो तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। The father says. Remember me, remember the inheritance, so you will become the masters of Vishnupuri, that is, the abode of Vishnu. Veda ka baap hi aaye, raasta batate. The unlimited father himself comes and shows us the path. Is chalan se tum raja banenge. You will become a king if you behave like this. Nahi to aisi aisi chalan se tum naukar chakar banenge. Otherwise, you will become a servant because of this conduct. जितना पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। The more you study, you will become a prince.
यू विल बिकम द मास्टर्स ऑफ हेवन. नहीं पढ़ेंगे तो होंगे खराब. इफ यू डोंट स्टडी यू विल बिकम स्पॉइल्ड. फिर तो प्रजा में चले जाएंगे. देन यू विल गो अमंग द सब्जेक्ट्स. माता पिता को फॉलो करना है. यू शुड फॉलो द मदर एंड फादर. आजकल के भिखारी माँ बाप को फॉलो करने से नरकवासी बनेंगे. यू विल बिकम द रेसिडेंट्स ऑफ हेल बाय फॉलोइंग द विशियस मदर्स एंड फादर्स ऑफ टुडे. शादी बर्बादी. मैरिज इज रुइनेशन. बाकी ये दान पुण्य आदि करते करते तुमने दुर्गति को पाया. एज फॉर द रेस्ट यू हैव डिग्रेडेड बाय परफॉर्मिंग चैरिटी एटसेट्रा. तो दान पुण्य आदि करते करते करके अल्पकाल के लिए उसका सुख मिलता है. यू रिसीव शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस आफ्टर परफॉर्मिंग चैरिटी एटसेट्रा. खुशी भी अल्पकाल के लिए मिलती है. द जॉय दैट यू रिसीव इज ऑल्सो टेम्पररी. बाप कहते हैं पवित्र बनो. द फादर सेज बिकम प्योर. परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं. बट दे डोंट लीव द वाइसेस एट ऑल. बिक ना मिलने से फिर क्रोध भी आ जाता. दे ऑल्सो बिकम एंग्री वेन दे डोंट रिसीव पॉइजन. फिर बेचारी अबलाएं मार सहन नहीं कर सकती है. देन द पुअर वीक वीमेन आर अनेबल टू टॉलरेट बीटिंग्स. तो भागना पड़ता है. दे हैव टू एस्केप. तो ये है शरणागत. सो दे कम इन गॉड शेल्टर. असुरों की भी शरणागत होती है. द डीमंस ऑल्सो कम इन हिज शेल्टर. ईश्वर की शरणागत पाने से वर्षा मिलेगा. यू विल रिसीव द इनहेरिटेंस बाय कमिंग इन गॉड शेल्टर. तुम अब राम की शरण में आए हो. नाउ यू हैव कम इन द शेल्टर ऑफ राम. उनकी सीमत पर चलने से सदा सुखी बन जाते हो. यू बिकम हैप्पी फॉरएवर बाय फॉलोइंग हिज श्रीमत. इस समय की बात फिर भक्ति मार्ग में गाई जाती है. व्हाटएवर हैपेंस नाउ इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ भक्ति. तुमने राम की शरण ली है. यू हैव टेकन द शेल्टर ऑफ राम. तो फिर तुमको श्रृंगार करके विश्व का मालिक बनाते. सो ही डेकोरेट्स यू एंड मेक्स यू द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. तो तुमको कोई जीत न सके. एंड नो वन कैन कॉन्कर यू देयर. क्योंकि और कोई धर्म ही नहीं रहता. इट इज बिकॉज नो अदर रिलीजन एग्जिस्ट देयर एट ऑल. समझाया जाता है तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है. When it is explained, they say, how is it possible? कहते हैं जैसे मतवाले. They say it as if they are crazy. तो अब पतित पावन बाप ही पावन बनने की युक्ति बताते हैं. Now, the purifier of the impure father himself tells us the tactic to become pure. याद से ही भी कर्म विनाश होंगे. Your sins will be destroyed only through remembrance. खाद निकलेगी फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे. योर इम्प्यूरिटीज विल बी रिमूव एंड देन यू विल गो टू द गोल्डन एज. शिव बाबा की महिमा आदि. नाउ देयर इज द प्रेज ऑफ शिव बाबा. कृष्ण की महिमा को तुम जानते हो. एंड यू नो द प्रेज ऑफ कृष्ण. तो बाबा ने कहा था दोनों की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जावे. गीता का भगवान कौन है. बाबा सेड Write the praise of both of them separately, so it will be proved who God of the Gita is. भगवान तो एक है ना. There is certainly one God, isn't there? कृष्ण तो 84 जन्म में आते हैं. Krishna certainly passes through the cycle of 84 births. भगवान तो पुनर्जन्म रहते हैं. God is no doubt beyond the cycle of rebirth. अजन्मा तो नहीं कहना है. You shouldn't call him Ajanma. Ajanma hote to Shiv Jayanti kyun manate? Had he been Ajanma, why would they celebrate Shiv Jayanti? Ye kahenge ki wo punarjanma rahit hai. Yes, it will be said that he is beyond the cycle of rebirth. Divya janma leti hai. He has a divine birth. To Gita mein naam chahiye Shiv ka jo punarjanma nahi lete. So in the Gita There should be the name of Shiv who isn't reborn. उसके बदले नाम डाला है जो 84 पुनर्जन्म लेते.
इंस्टेड ऑफ हिज नेम दे हैव पुट द नेम ऑफ द वन हु हैज 84 बर्ड्स. ये बहुत जरूरी बात है. दिस इज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट. ये है ईश्वरीय परिवार. दिस इज द ईश्वरीय फैमिली. सतयुग में होगा दैवी परिवार. देयर विल बी अ डिवाइन फैमिली इन द गोल्डन एज. यहाँ है दादा मम्मा बाबा बच्चे बस. Here there is dada, mamma, baba and children. That's all. और कोई भी संबंध नहीं है. There is no other relation here. तुम एक ही बार बाप की बनी. You belong to the father only once. फिर तो ऐसी कोई बन न सके. Then no one else can become like you. पतितों को यहाँ रहने नहीं दे रहे. I won't let the impure ones stay here. जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट हो नहीं सकता. Whatever has passed can't repeat. अच्छा मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल्दी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग. अच्छा रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग ऑफ द मदर फादर एंड बाप दादा टू द वेरी स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन. ओम शांति. ओम शांति.